अस्सलामु अलैकुम, अब्दुल करीम टीवी में खुश आमदीद। डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के पास सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं, क्योंकि बजट 2021-22 आज पेश किया जा रहा है 11 जून को। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन को कितना रिलीफ दिया जाएगा, पेंशन में कितना इजाफा होगा, कौन से अडहाक बेसिक में जम होंगे, कम्प्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है। तो बात करते हैं, वफाकी बजट आज 11 जून को पेश किया जाएगा। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है, उनकी तनख्वाह और पेंशन में बड़ा इजाफा करने का। ज़राए से यही मालूम हुआ है कि इस साल बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा किया जाएगा, और इसके साथ साथ 2 अठाक को बेसिक में भी जम किया जाएगा। अब देखते हैं कौन से अठाक बेसिक में जम किए जाएंगे, और इसके साथ साथ कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा किया जाएगा और मेडिकल में भी इजाफा किए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ स्पेशल अलाउंस भी सरकारी मुलाजमीन को दिया जाएगा। वफाकी मुलाजमीन तो ऑलरेडी से देर ले रहे हैं स्पेशल अलाउंस, और इसके साथ साथ जितना भी सूबे हैं उनके भी मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि बजट कितने बजे पेश होगा, और उस बजट की कंप्लीट तफसीलात जैसे ही आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।